नमस्कार दोस्तों। सो ये है हमारा 10वां दिन लेह लद्दाख टूर में और अब श्रीनगर से निकलने का वक्त हो गया है। वैसे तो हम पिछले दिन ही निकल जाना चाहते थे बट जम्मू वाला जो रोड है वो बंद है, तो 100 पे पुलिस को फ़ोन करके हम लोगों ने जानकारी लेते रहे थे और यहाँ पर जो विक्रम जी हैं होटल विक्रम के ओनर, इनसे भी हम लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहे थे कि कौन सा टाइमिंग और कौन सा रूट सही रहेगा ऐसे में घर लौटने के लिए। हमें पंजाब जाना है यहाँ से जम्मू होते हुए और जो भी रास्ता बेस्ट हो वो हम लोगों को लेना है। तो सुबह 6 हम लोग जा करके निकल चुके और मार्केट प्लेस देख रहे थे, एकदम खाली खाली था श्रीनगर का, जबकि अपोजिट रहता है जब दिन में आते हैं यहाँ पर या फिर शाम को देखते हैं। तो डीज़ल तो हम लोगों ने वैसे श्रीनगर के शहर के अंदर अंदर में ही भरवा लिया था क्योंकि और ज़्यादा कोई रिस्की रूट लेना नहीं है हमें। इसके बाद में श्रीनगर छोड़ने के लिए हमने मुगल रोड लिया। मुगल रोड जो है वो जम्मू जाने के लिए एक ऐसा रास्ता है जो बहुत अच्छा हाईवे तो नहीं है, घाटियों से होकर ही गुजरता है, बट ठीक है यार, कम से कम वहाँ से हम लोग गुजर के कहीं तो पहुँच पाएंगे, कुछ प्रोग्रेस तो होगी इस टूर में। शोपियाँ और पुलवामा वगैरह भी आते हैं रास्ते में और थोड़ा बहुत जैम तो हमें और देखना पड़ेगा, बट जम्मू रोड जो है ना मेन हाईवे, वहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड वगैरह की से बहुत ज़्यादा जैम हो चुका है, तो वो रूट लेते तो हमको घंटों जैम में रुकना पड़ता और वो खुलने वाला कब है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचा कि अब यार और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक दिन हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेंड किया श्रीनगर में एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा नहीं करना था। तो बस श्रीनगर से निकल गए और थोड़ा थोड़ा सा ना डरावना भी है ये रास्ते क्योंकि काफ़ी लोनली है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग जहाँ रेगुलरली रोड चलाने की आदि है या जिस तरह के रूट से हम लोग आए थे अब तक के वैसा तो लगता ही नहीं है वाला रूट, बस ऐसा लगता है कि वीराना सा है, छोटे छोटे अलग से गाँव हैं, कुछ अलग प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो ऐसा कोई नहीं कि हमको डिस्टर्ब कर रहा हो कोई आकर के या हमें रोक रहा हो, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगता है ये रूट, बट थैंकफुली इंडियन आर्मी यहाँ पर है जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो ऐसा थोड़ा सा करेजियस फील होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बाकी इंडियन आर्मी के लोग बीच में गाड़ियाँ रोकते भी हैं, चेकिंग वगैरह करते भी हैं। थैंकफुली डॉक्टर माज के पास में इंडियन आर्मी का जो एक्सपीरियंस है, उनके पास इंडियन आर्मी का कार्ड भी है, उन्होंने हमारे अंदर स्पिरिट जगाए रखा और जहाँ जहाँ पे रुकावट थी वहाँ वहाँ पर उनके कार्ड की वजह से हमको और ज़्यादा क्लियरेंस भी मिलता रहा। रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह भी देखे, बड़े बड़े पथरीले रास्ते भी देखे, जो हमारे पीर की गली वाला एरिया है, ये पीर की गली अभी जो आप देख रहे हो ये वाले एरिया के बाद में ना बहुत सारी जगह पर आपको बड़े बड़े पत्थर चट्टाने वगैरह नजर आएंगी। कुछ तो रास्ते पर गिरे हुए भी थे जो लैंडस्लाइड की तरह था और वहाँ पर क्लियरेंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था, थोड़ा थोड़ा जाम बीच में लगता रहता है। ऐसे बड़े बड़े ट्रक के कॉन्वॉयज वगैरह भी रास्ते में देखने को मिले जो इसलिए रोके गए हैं ताकि जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनको क्लियरेंस मिल सके। नज़ारे तो बेहद अच्छे थे यहाँ पर कश्मीर वाले और मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर रुको और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मौसम के मज़े भी लो, थोड़ी ठंडक तो यहाँ पर भी थी। बट जाहिर है यार अपने पास वक्त बहुत कम है, अभी घर अपने को जल्दी से लौटना है, 10 हो चुके हैं, 11-12 होने पर हमें हमारे घर में पहुँचे हुए रहना है, तो इसलिए रुक नहीं पा रहे हैं ज़्यादा नज़ारे के मज़े लेते हुए। ऑल्टीट्यूड भी कम होता जा रहा है यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यार पहले अपन पहाड़ पर थे, लेह तक चले गए, फिर अपन श्रीनगर थोड़े नीचे आए, अब श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए और नीचे आएंगे, फिर पंजाब जाएंगे तो और नीचे आएंगे। आज हमें पंजाब के किसी भी इलाके तक पहुँच ही जाना है, जलंधर भी पहुँच जाए तो बहुत है, पठानकोट का टारगेट था, जलंधर तक जाके रुक जाने वाले हैं शायद हम लोग शाम तक के। वैसे ये वाले रूट में ना रास्ते काफ़ी नैरो भी हैं, ऐसे पहाड़ी रास्ते पर जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा कुछ यहाँ पर नज़ारा है कि नैरो रोड्स हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर चलाना, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड जो होते रहते हैं बीच बीच में वो साफ़ किए जा चुके हैं, तो हमारी तरह जो ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो सब कुछ को क्लियरेंस मिलता रहता है। आप देखो यहाँ पे साइड में आपको पत्थर भी वगैरह नज़र आ रहे होंगे।
इस सिचुएशन में भी रिसेंटली एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना जैम लग गया है, कुछ एक डेढ़ किलोमीटर का जैम तो ये है ही। और यहाँ पर कैसा अभी धीरे धीरे करके गाड़ियाँ मूव करवाई जाएंगी, देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक से पहले टूरिस्ट व्हीकल को निकालने के लिए कोई इंतजाम किया गया है या नहीं। जहाँ पर भी आपको लैंडस्लाइड दिखे वहाँ पर या तो जम्मू कश्मीर वाली पुलिस या फिर आर्मी वाले लोग नज़र आएंगे ही आएंगे। कश्मीर से कुछ 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद ही हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। तो यहाँ पर एक बुलडोजर है जो क्लीनिंग कर रहा है और यहाँ पर हमें 1 घंटा वेट करना पड़ गया। बहुत ही नैरो रोड है, आने जाने वाली गाड़ियाँ जो है उन्हें रोक दिया गया है दोनों तरफ में ताकि लैंडस्लाइड को क्लियर किया जा सके। आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितना ब्रॉड एरिया है लैंडस्लाइड वाला, तो उसको क्लीन किया जा रहा है। हम लोग दोपहर में जम्मू तक भी पहुंच गए। जम्मू काफ़ी अच्छा शहर है, कटरा होते हुए अगर वैष्णो देवी जाना हो तो यहाँ से गुजरना ही पड़ता है, फ्लाइट वगैरह भी यहाँ से लेकर जा सकते हो। और मन तो था कि यहाँ पर भी रुक कर कुछ घूमे फिरे, बट अगेन वक्त की बहुत कमी है। अब पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर ली है, पंजाब एरिया में हम लोग हैं, कुछ खाना पीना हो गया, शाम बहुत रंगीन लग रही थी तो मज़े करते हुए बातें करते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग जालंधर की तरफ बढ़ते चले। फाइनली ऑल डे ड्राइव करते करते हम पहुंच गए हैं जालंधर में, पंजाब में जो छोटा सा शहर है जालंधर, वहां पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया। सो जालंधर सिटी में हम हैं और ड्रॉप करने जा रहे हैं हमारे 4th पार्टिसिपेंट को जालंधर रेलवे स्टेशन पर। डॉक्टर साहब थोड़े उदास लग रहे हैं क्योंकि आज उनको दारू नहीं मिलेगी रात में पेक बनाने वाला आदमी जा रहा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मजाक उड़ाने वाले एक आदमी जा रहा है पेटे भाव के लेने वाला जा रहा है। एंड जालंधर रेलवे स्टेशन जो है जालंधर सिटी जंक्शन, वहाँ हम जा रहे हैं, पास में ही है यहाँ से होटल से, और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे झांसी की तरफ। आज तो दिल्ली भी पार कर लेंगे। जालंधर रेलवे स्टेशन देखा, इतने पास था अपने होटल से रेलवे स्टेशन, यार लकीली सबका काम हो गया क्या बात इनका है? क्या किस्मत है यार, साला कल टिकट बुक किया कंफर्म हो भी, अब इधर हाँ इधर रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है। अभी वो रोने धोने वाला नाटक कर लेगा का
अकेले हैं तो क्या गम है। ये सब बैग्स पैक हो जाते तो अच्छा रहता। अब जाके हुआ अरे मत जा। So, पहले हम कश्मीर से जलंधर पहुंच गए। अब जलंधर जो है पंजाब में, यहाँ से हम लोग दिल्ली होते हुए सीधे एमपी पहुंच जाएंगे। एमपी में हम लोग प्लान करेंगे कि आज रात में ललितपुर रुकें। ललितपुर में रुकेंगे तो फिर अगले सुबह जबलपुर, जबलपुर से फिर नागपुर जाना है। पंजाब से दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में हरियाणा का अंबाला नाम का छोटा सा टाउन है, यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो हवेली नाम के रेस्टोरेंट में हम लोग आ चुके हैं। फेमस है वैसे, काफ़ी सारी चेन की चलती है, तो थीम भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है यहाँ का, और बहुत ज़्यादा हैवी भी पड़ जाता है, खाना नहीं हो पाता इतना सारा खाना अपने से। ऐसा खाना है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अमृतसरी कुलचे छोले ऑर्डर किए और वो खा भी में नहीं रहता, इतना ज़्यादा हैवी था वो। अब दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर वापस हम लोग पहुंचे और फाइनली मैंने सफारी ड्राइव शुरू कर दी। सफारी इज सच अ नाइस व्हीकल टू ड्राइव, ऑब्वियसली आप मज़ा तो पूरा है इसमें, गाड़ी में फील बहुत अच्छा है, स्टेयरिंग को बहुत अच्छे से संभाल कर रखो क्योंकि थोड़ा सा ना हैवी लगेगा मॉडर्न कार के कंपेरिजन में, इसलिए उसमें फील अच्छी आती है। क्लच और एक्सेलरेटर जो है मैनुअल वाली गाड़ी में जो मज़े दे रहा था हाई स्पीड पर चलाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। 120 कब गाड़ी टच कर लेती है पता ही नहीं चलता, एकदम बहुत इजीली बहुत लाइटली चले जाती है और मैं फास्ट लेन पकड़ के चला रहा हूँ। बाकी सारे जो ट्रैवलर थे मेरे से इतने ज़्यादा आराम में इतने मज़े में कि ऑलमोस्ट वो सो ही गए हैं और उनको पता ही चल रहा है कि अपन सफ़र में है, कितने किलोमीटर अपन ने क्रॉस कर लिए। लगभग 300 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया एंड मैंने पाया कि गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी तो है। ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से ये गाड़ी एक्चुअली एक प्रेफरेबल व्हीकल है। सो किसी को अगर सफारी चाहिए और फैमिली के लिए वो कंसिडर करते हैं, तो हमने तो 5,500 किलोमीटर चला लिया है इस गाड़ी को। लोग सो जाते हैं इस गाड़ी में जब अच्छा स्मूथ रोड आता है, तो इतनी अच्छी गाड़ी ये है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ललितपुर से पहले एक रेस्टोरेंट में आकर के इवनिंग ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद हमने ललितपुर में नाइट स्टे भी किया और फिर सुबह सुबह ललितपुर से भी आगे ड्राइव करते हुए निकल गए जबलपुर की तरफ। अब बस आखिरी सफ़र यही है हमारा सबका एक साथ में, आखिरी के 2-4 घंटे ड्राइव करना है। और इन 2-4 घंटों में मैंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी लिया, उनसे पूछा कि सफारी के साथ एज एन ओनर शुरू के जो 5,500 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया ले में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो वीडियो मैं अलग से आपको दूंगा। जबलपुर पहुंचने के बाद अपनी क्रेटा को मैंने वापस पिक किया और क्रेटा को अब मैंने यहां से शुरू करना है, पूरा सामान लेना है गाड़ी में से, सफारी में से अपना वाला इसमें, और पेठे जी जो हमने जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया था हमें एक्सयूवी से, वो अब मेरे साथ जाएंगे नागपुर तक के। पेट्रोल रिफिल हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दूसरी तरफ वेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में डीजल ऑलरेडी है। तो अब मेरी गाड़ी लेकर के हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे जा करके हमारे रास्ते अलग होंगे, मतलब डॉक्टर साहब सफारी लेके जाएंगे बिलासपुर और मैं क्रेटा लेकर के जाऊंगा नागपुर। तो वो जो पार्टीशन का टाइम होगा ना, थोड़ा सा इमोशनल तो रहेगा यार, क्योंकि 10-12 दिन आपने किसी के साथ में ड्राइव किया है, मज़ा किया है, इतने सारे स्पेशल मेमोरीज बनाई हैं, तो एकदम से बाय बोलना अच्छा नहीं लगता।
बट करना तो पड़ेगा ही ताकि हम लोग दूसरी ट्रिप के लिए एक और टाइम स्पेंड कर सके। हम लोग अभी अलग होंगे तो बाद में दोबारा मिलेंगे, एक और बेहतरीन ट्रिप होगी। क्या बोलते हैं, मूव ऑन हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब लव यू सो मच। सो अब हम लोग अलग अलग हो गए यहाँ से और अब निकलना है क्रेटा में बैठ करके 250 किलोमीटर जबलपुर से ड्राइव करते हुए जाना है मुझे नागपुर तक। पीटर जी मेरी गाड़ी चला रहे हैं फिलहाल, मैं रिलैक्स कर पा रहा हूँ बहुत टाइम के बाद में। और बाद में घर जा करके डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों बाद सर्विसिंग करवाई उनकी सफारी की और पता चला गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। अंडर बॉडी में भी ऐसे कोई ज़्यादा कोई डेंट वेंट नहीं पड़ा, कोई ना टूटा ना कोई डैमेज हुआ कोई पार्ट, और गाड़ी जितनी हम रगेड समझते हैं या रफ टफ समझते हैं बिल्कुल वैसी ही निकली, कोई दिक्कत नहीं आई। 5.5 किलोमीटर में हमने कितने पत्थरों को छुआ है, बर्फ में गाड़ी को चलाया है, रफ रास्ते पर गाड़ी को चलाया है, कोई दिक्कत गाड़ी को नहीं आई। टायर भी सही है, अलाइनमेंट भी सही है एंड सस्पेंशन में तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। लैंड रोवर प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं बोलते इस गाड़ी को। सो वंडरफुल व्हीकल, वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अभी दोनों गाड़ियों के ओनर्स का रिव्यू देखते हैं अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।